ये यहाँ सारे के सारे खाने में लगे, मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं है। मौसी ये तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। और मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ, ये कौन है? ये है मेरी बड़ी मौसी की बेटी, जो सबसे बड़ी मौसी थी ये उनकी बेटी हैगी। और इनको तो आप जानते ही हैं, इनको तो मैंने आप लोगों से मिलवा ही दिया। ये दिल्ली गए हैं क्या? दिल्ली आओगी? दीदी कह रही है कि नेक गम खाओ। नहीं, मैं तो रोटी खाती हूँ, मैं गम नहीं खाती। जिसको गम खाना है वो गम खाओ, पर मैं रोटी खाऊंगी। और अब ये भी समोसे आ गए हैं, जिसके लिए हमारी भाभियाँ फैल गई थी, तो वो समोसे आ गए। पहले समोसे खा लेते। अरे आ जाओ यार, समोसे आ गए। आओ जल्दी आ जाओ। मैंने ले ली। भावना भावना यार, भावना ये थोड़ा सा घूंगा फिटाओ। समोसे आ गए, अब खुश हो गई तुम? मौसी हमारा नाम झूठा मत लो, हम तो शहर में समोसे खूब खाते रहते हैं। भावना फैली थी और पट्टू पट्टू दादा की बहू फैली थी, उनने तो जू निकलवाने चालू कर दिए थे। हमारे होते ना तो 2 मिनट पहले आते समोसा। अब यार हमारे होते 2 मिनट पहले आते। ये उनके हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आप लोगों ने अभी ब्लॉग में देखा ही, यहाँ पे हम लोग भाभियों से कितना मजाक कर रहे थे, कितनी मस्ती चल रही थी। और यहाँ पे ना जो भाई भाभी हैं उनकी आदत भी, हमारे भैया भाभी है ना, वैसी हैगी बिल्कुल मजाक मस्ती वाली। यहाँ पे आके हमें लग ही नहीं रहा था कि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं। और ये बैठे हुए हैं प्रिया के हस्बैंड, तो ये भी यहाँ पे आ गए थे। आज है ना भंडारा है, भैया आज भंडारा करवा रहे हैं। तो इस भंडारे में ना भैया जो गांव की जितनी भी बहनें होती हैं, जितनी भी उन्होंने बहनें बुलाई हैं, मान भानेज और जो उनके मान्य वगैरह हैं, तो उनको खाना खिलाएंगे आज भैया। और जो भागवत का भंडारा है वो कल होगा। तो ये हमारे मौसा जी, चलिए आप लोग भी मौसा जी से मिल लीजिए। मौसी के हस्बैंड हम भी इनसे फर्स्ट टाइम मिले, पहली बार मिले हैं। तो आप लोग भी रीना दीदी कह रही है, ये अपने आप में ही बात करती रहती है। अच्छा। फोन से पता नहीं क्या बीमारी हो गई, अपने आप में ही बात करती रहती है। अच्छा। और ऐसी दिखाती रहेगी सबको, सबको ऐसी दिखाती रहेगी। ये हमारी दीदी है। दीदी बोलो, बात के बारे में कब दिखाई वीडियो बना रही है, मेरा कपड़ा रही बालिंगा से। तुम दिख रही नहीं हो, तुम दिख तो रही हो। नहीं नहीं मैं तुम्हीं से बात कर रही हूँ। चप्पल उतार के आए मैं छोटे छोटे कान लो। अभी कहाँ बन रहा है, बन देगा तो दिन
सो गाइज़, मैंने यहाँ पे अपनी वॉइस को कर दिया था म्यूट, क्योंकि पीछे से ना भागवत की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रात को जो भंडारा होगा ना, जिसमें मान भानिज बहनों को और मान्यों को खाना खिलाया जाएगा, तो यहाँ पे उसकी तैयारी हो रही थी। और ये बहुत बड़ा घेर है, तो यहीं पर खाना बन रहा है एक साइड में, और यहाँ पर एक साइड सब लोगों को खाना पीना खिलाया जाएगा। मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को यहाँ के जो व्लॉग हैं वो कैसे लग रहे हैं। और सब लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं, मौसा मौसी मौसी के दोनों लड़के, ये मौसी के दोनों लड़के हैंगे, और सच में इनका नेचर बहुत ही अच्छा हैगा। हम लोगों को लग ही नहीं रहा था कि हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, दोनों लड़के ना मौसी के काम करने में लगे हुए थे, आलू काटना, सब्जी काटना, ये सारे, मतलब कहते ना कि जो पूजा पाठ का काम होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बटाना चाहिए। जीतू ने भी यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह बेली थी, और वो मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पे सब्जी छुकने की तैयारी हो रही है, तो ये जो हैंगे ये सब्जी छौकेंगे, ये हलवाई हैंगे तो ये सब्जी छौकेंगे। और यहाँ पे सब्जी में बन रही है पत्ता गोभी आलू की सब्जी, जो कि सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो अभी यहाँ पे पत्ता गोभी को सबसे पहले किया जाएगा फ्राई। गांव के खाने ना सिंपल सोबर होते हैं, पर टेस्टी इतने होते हैं मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैंने बहुत टाइम बाद गांव की दावत खाई थी, लेकिन मुझे गांव का जो खाना है वो सच में इतना टेस्टी लगा, इतना टेस्टी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर ये गोभी फ्राई हो रही है, तो चलिए आप लोग व्लॉग इन्जॉय करिए, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को गांव के जो व्लॉग हैं वो कैसे लग रहे हैं। और ये देखिए, ये आलू उठा के ले आए हैं दोनों भाई, ये बड़े वाले भैया हैं, ये छोटे वाले हैं। तो इन आलुओं को आप पानी निकाल के फिर इन आलुओं को छीलेंगे। तो चलिए आप लोग व्लॉग इन्जॉय करिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं घर। घर तो नहीं जा रही हूँ, मौसी मुझे अभी कहीं पर लेके जा रही हैं, तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ, वहाँ पर भी आप लोगों के साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो ये आलू का पानी निकाल दिया, और यहाँ पर ना कच्चा हैगा अभी, मतलब यहाँ पे मिट्टी का हैगा, तो सारा पानी जो फिला रहे थे ना वो सारा का सारा जमीन में चला जा रहा था, सारा पानी सूख जा रहा था। तो ये देखिए भैंसे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें शेयर करूँ, अच्छा लगता है ना गांव में ये सब चीज़ें देख के। तो चलिए आप लोग करिए व्लॉग इन्जॉय। मैं जब छोटी थी तब मुझे साइकिल पे बहुत घुमाया करती थी, बहुत घुमा दी थी। अरे सब देखेंगे, जब मैं छोटी थी ना तो दीदी मुझे सच में साइकिल में बहुत घुमाया करती थी, साइकिल पे बिठा के और ये चलाया करती थी। आज भी मुझे ध्यान है। और सब लोग यहाँ पे बहुत टाइम बाद, हम कितने टाइम बाद, बहुत टाइम बाद, बहुत छोटी थी मैं। तो 28 साल तो मेरी शादी हो गई। मौसी भी आई हुई है, तो मैंने कहा चलो दीदी के, परी और शौर्य सुबह से यहाँ आए हुए हैं और जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये देखो ये बैठे हुए हैं, परी और शौर्य सुबह से आए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से जा ही नहीं रहे। मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं अभी तक क्या कहाँ है कहाँ नहीं है। इनको बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये देखिए मेरी एक इतनी बड़ी बेटी भी है, परी से भी बड़ी बेटी है मेरी एक। ये देखो, ये देखो, ये दीदी की लड़की है, ये भी मेरी बेटी है। हाँ अच्छी है दीदी, अच्छी है, अच्छा दीदी अच्छी है, ये मेरी बड़ी बेटी है। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आए हुए थे अपनी मामी की बेटी के घर। ये हमारी ना, जो हमारे मामा जी हैं ना, उनके परिवार के सबसे बड़ी जो मामी थी ना उनकी बेटी हैंगी, काफ़ी बड़ी हैंगी एज में, और इनके बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। इनकी एक बेटी की शादी हो गई है, पर वो इनकी एक बेटी ख़त्म भी हो गई है।
तो यहाँ पे हम लोग आए हुए थे तो मौसी हम लोगों को इनसे मिलाने के लिए ले आई थी। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब हमारी मम्मी थी ना, तब हम लोग गांव जाया करते थे नानी के यहाँ पे, तो ये हमें साइकिल पे घुमाया करती थी। तो इनकी शादी भी ना यहीं पे मौसी के पास हुई है, और मेरी एक मौसी की बेटी और है तो उनकी भी शादी यहाँ पे हुई हुई है। तो बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलके, काफ़ी टाइम बाद सब लोगों से मिले। और परी और शौर्य तो सुबह से यहीं पे ही हैंगे, सुबह से घर ही नहीं गए, मतलब मौसी के यहाँ पे नहीं गए, यहीं पे दीदी ने और दीदी की बेटी ने खाना पीना खिला दिया, यहीं पे सुबह से मौज मस्ती कर रहे हैं। उनका जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इनकी बेटी का नाम मोहिनी हैगा, तो यूँ कह रहे थे कि मोहिनी दीदी बहुत ज़्यादा अच्छी हैंगी। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, और मैं पता है तैयार वगैरह नहीं हुई थी, तो मौसी ने कहा चलो चलो चलो, तो मैं ऐसी ही आ गई थी, तो आप लोग माइंड मत करना। और यहाँ पे देखो लाइट चली गई थी, वैसे यहाँ पे लाइट वगैरह सब चीज़ें हैंगी, बट थोड़ी देर के लिए ना लाइट चली गई थी। और जैसे ही हम लोग पहुँचे तो हमारे लिए नाश्ता वगैरह आ गया। इनकी बेटी बहुत समझदार है, बहुत ही समझदार, तो नाश्ता वगैरह आ गया। उसने फटाफट से ठंडा लेके आई, नमकीन बिस्किट और मीठा वगैरह लेके आई है। तो चलिए आप लोग भी ब्लॉग इंजॉय करिए। और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रखे थे। तो आप लोगों को यहाँ के ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतने टाइम बाद गांव में जाके गांव के लोगों से मिल के मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और परी शौर्य तो इतना खुश हो रहे थे मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। नव्या को भी यहाँ खूब अच्छा लगता है ना। हम तो मम्मी यही रहती है, 40-50 और नव्या भी यही रहती है। मजा आ गया, हम आती हूं तो यही रहती, स्टार्टिंग से यही रहती नव्या। बंदा एक दिन मुझे 50 बार टाइम भेजा दुकान में। क्या अच्छा, ज्यादा उससे ज्यादा लेला की परी है ना। परी का मन लग गया, दीदी का नंबर ले लियो, बात कर ले करिए दीदी से, तेरी फ्रेंड बन गई है। मेरे पास है और डब्बू को मुझे उस दिन बता वो कहाँ चलेगा सॉरी।